गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। यह समूचे भारत भर में एक महान भक्ति के साथ मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपने लाते हैं और पूजा करते हैं। इस त्यौहार की अवधि स्थान और परंपरा के आधार पर एक दिन से 11 दिनों तक भिन्न भिन्न होती है। यह कलंक चतुर्थी और डंडा चौथ के नाम से भी जानी जाती है। गणेश चतुर्थी को लेकर जो पौराणिक मान्यता है वह ये है कि भगवान श्री कृष्ण पर श्यामंतंग मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था और उनका अपमान हुआ था। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, जिस वजह से वह तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने श्री भगवान को यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए इस दिन जिसने भी चंद्रमा के दर्शन किए उस पर झूठे आरोप लगते हैं। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। इसलिए मान्यता है कि इस दिन गणेश की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है।